देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हेटरोट्रॉपिक जितने भी एनिमल्स या जितने भी जीव जंतु आते हैं उन सभी को तीन भागों में बांटा गया है, हेलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासाइट पैरासिटिक। इसको सेप्रोफाइट भी कहते हैं और इसको पैरासाइट भी कहते हैं। हेलोजोइक क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो अपना फूड सॉलिड फॉर्म में टेक करते हैं। Those animals who take their food, animal take their food in solid form. Example के लिए आप लिख लीजिए, आपके बुक में example लिखे हैं अमीबा, पैरामीशियम and एनिमल। All animals are hallozoic. कुछ एनिमल्स सेप्रोफिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, अभी बताऊंगा कब। लेकिन ज़्यादातर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? हेलोजोइक। ज़्यादातर एनिमल कैसे अपना फूड टेक करते हैं? सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या होता है? हेलोजोइक। सेप्रोफिटिक क्या होता है? सेप्रोफिटिक होता है दोज एनिमल्स हु depend upon dead and decaying matter for their यानी ये ऐसे जीव जंतु who depend upon dead and decaying matter for their food, मतलब कि सड़े गले चीज़ों से जो अपना खाना प्राप्त करते हैं, ऐसे सभी एनिमल्स को क्या कहते हैं? सेप्रोफिटिक कहते हैं। हिंदी में से मृतोपजीवी कहते हैं, यानी कि जो मरे हुए पेड़ पौधों से अपना खाना प्राप्त करते हैं इनको क्या कहते हैं? सेप्रोफिटिक, हिंदी में मृतोपजीवी, ठीक है। ये क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक। नेक्स्ट देखिए, पैरासिटिक क्या होते हैं? पैरासिटिक वो होते हैं जो एक होस्ट के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं और अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो उसी से खाना लेते हैं। देखो ये क्या होते हैं? डिपेंड upon a host for their ठीक। इसके एग्जाम्पल सबसे अच्छे क्या हैं आपके? आपने वो सुना होगा कैस्केटा, अमरबेल, बस स्पेलिंग आप देख लीजिए यहाँ पर CU होगा शायद, कैस्केटा, ठीक है। और कौन से होते हैं? जितने भी टिक्स होते हैं, टिक्स क्या होते हैं? जो आप लोग जू और खटमल वगैरह देखते हो, ये सभी क्या हैं? पैरासिटिक होते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे अपने फूड के लिए। तो पैरासिटिक क्या होते हैं? डिपेंड ऑन अ होस्ट फॉर देयर फूड। होस्ट का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर हैं। जैसे कि एक खटमल अगर आपके ऊपर है तो आप क्या हैं? एक होस्ट है। तो पैरासाइट क्या होते हैं? डिपेंड अपॉन अ होस्ट फॉर देयर फूड। एग्जाम्पल क्या है? कस्कटा एंड टिक्स एंड एक्सेट्रा। आपने वेनम मूवी देखी होगी तो वेनम जो होता है उसमें वो अपने होस्ट को ढूंढता रहता है, ठीक है। एक इसी में और होता है, उसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। उसमें देखो वेनम मूवी में इसको सिम्बायोट कहते हैं, लेकिन सिम्बायोटिक थोड़ा अलग होता है। सिम्बायोटिक रिलेशन का एग्जाम्पल होता है कि जैसे कि लाइकेन, आपने नाम सुना होगा, और राइजोबियम बैक्टीरिया। देखिए पैरासिटिक और सिम्बायोटिक में मेन डिफरेंस क्या होता है? पैरासाइट होते हैं ये टोटली डिपेंड होते हैं दूसरों अपने होस्ट के ऊपर अपने फूड के लिए, लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है? एक डिपेंड होता है दूसरे के ऊपर और दूसरा डिपेंड होता है दूसरे के ऊपर। जैसे कि लाइकेन जो होता है ये किसका? दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एल्गी और फंगस। तो एक इसको प्रोवाइड करता है वाटर और एक में पाया जाता है क्लोरोफिल, तो वो बनाकर इसको देता है खाना। तो एक से मिल गया खाना और एक से मिल गया उसको पानी। तो ऐसा रिलेशन जब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हो तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके उसमें है नहीं है तो आप लोग याद रखना, लेकिन ये आपके उसमें एग्जाम्पल में दिए गए हैं कि लाइकेन और राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। मेन क्या है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को तीन भागों में बांटा गया है, हेलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासाइट। हेलोजोइक क्या है? एनिमल टेक फूड इन सॉलिड फॉर्म। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम एंड एनिमल। और आप लोग देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड।
तो इसमें देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे ऑब्टेन करेंगे, उसके बाद में हम बताएंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या आता है, ह्यूमंस के बारे में बताएंगे। यूनिसेलुलर में आपको पढ़ना है अमीबा के बारे में कि अमीबा अपना फूड कैसे इनटेक करता है। देखिए ये आपका अमीबा का क्या है, डायग्राम है कैसे कि अमीबा अपना फूड लेता है और बाद में उसको डाइजेस्ट करता है और बचे हुए फूड को बाहर निकाल देता है। तो मैंने बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, अमीबा के बारे में। अब देखिए अमीबा में क्या है, ये क्या है, इसकी साइटोप्लाज्म है, मतलब ये इसके अंदर जो लिक्विड होता है ये क्या हो गया, इसका साइटोप्लाज्म, ये इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के बाहर बाहर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट देखिए ये जो अमीबा होता है इसका इरेगुलर शेप होता है, इसका कोई शेप तो होता नहीं है, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है यानी कि सिर्फ एक ही सेल में इसकी पूरी बॉडी सिमट जाती है। तो अब ये फूड कैसे लेगा, अब इसके पास ना तो कोई माउथ है, ना तो कोई ऑर्गेन है, ना तो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके माध्यम से ये अपना फूड लेता है, अपने मुंह में फूड ले और बाद में उसको एक्सक्रीट आउट कर दे डाइजेस्ट करके, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये अपना फूड कहाँ से लेता है, ये अपना फूड सेल मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके उसको अपने अंदर ले लेता है। जैसे कि ये अमीबा का पार्टिकल है, अब इसने देखा इस फूड पार्टिकल को, अब इस फूड पार्टिकल को कैसे खाएगा, तो ये उसके पास थोड़ा सा जाएगा और उस फूड पार्टिकल के आगे आकर सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और जब एक्सटेंड करेगा तो फूड पार्टिकल को वो अपने अंदर ले लेगा। जब वो सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करता है तो इस चीज़ को कहते हैं स्यूडोपोडिया, याद रखना इस प्रोसेस को नहीं, ये जो सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके आगे लेकर आता है इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया वो जगह है जहाँ से वो फूड पार्टिकल को अपने अंदर लेता है, ठीक है। उसके बाद में कहाँ है, यहाँ, अब इस फूड पार्टिकल को उसने अपने अंदर ले लिया। अब ये क्या करेगा अमीबा, उस फूड पार्टिकल को ये डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करेगा, उसमें जितने भी न्यूट्रिशन है वो अपने अंदर लेगा। उसके बाद में अब जब न्यूट्रिशन ले लिया, अब न्यूट्रिशन लेने के बाद जो बच जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको क्या करेगा, ये इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही उसको बाहर निकाल देगा। तो अमीबा का एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि ये इंजेशन करता है, इंजेशन मतलब खाने को अंदर लेता है, इंजेशन करने के बाद इसको क्या करता है, ये डाइजेस्ट भी करता है, ठीक है। डाइजेस्ट करने के बाद में जो इसमें न्यूट्रिशन इसको मिले, जो इस फूड पार्टिकल में न्यूट्रिशन थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सभी न्यूट्रिशन को वो अपने पूरे साइटोप्लाज्म में भेज देता है ताकि हर जगह उस वो न्यूट्रिशन पहुंच जाए, ठीक है। इस क्रिया को कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। उसके बाद में जो बच गया फूड पार्टिकल उसको क्या करता है, वो एक्सक्रीट आउट कर देता है, यानी कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, होलोजोइक होते हैं, वो सभी के सभी 5 स्टेप को फॉलो करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। वो 5 स्टेप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। देखिए होलोजोइक एनिमल जितने भी होते हैं वो कैसा फूड टेक करते हैं, सॉलिड, ठीक है। अभी मैंने अमीबा जो बताया वो क्या था, एक होलोजोइक एनिमल था। अब देखिए ये कंप्लीट करते हैं अपना डाइजेशन 5 स्टेप में। सबसे पहले फूड को अंदर लेंगे, तो फूड को अंदर लेने की क्रिया क्या होती है, इंजेशन। क्या होता है, इंजेशन। जब अमीबा फूड पार्टिकल की तरफ बढ़ रहा था और उसको अंदर ले, नंबर दो, उसको क्या करता है, फिर वो डाइजेशन करता है। डाइजेशन कैसे करता है, उसके एंजाइम की मदद से वो क्या करता है, डाइजेशन करता है। नंबर थ्री क्या होगा बाद में, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, अब डाइजेस्ट करने के बाद में जो न्यूट्रिशन उसको मिला उस न्यूट्रिशन को पूरे अपनी बॉडी में फेर देता है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया और अब्जॉर्ब करके सब जगह भेज देता है, उसको कहते हैं एसी, ठीक है। और नंबर फाइव में जो बच गया उसको क्या करता है, एक्सक्रीशन। तो पहले फूड को जब अंदर लिया तो इंजेशन, बाद में फूड को एंजाइम की मदद से डाइजेस्ट किया वो हुआ डाइजेशन, बाद में डाइजेस्ट किए हुए न्यूट्रिशन को उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद में वो सभी न्यूट्रिशन को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने के जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। बाद में जो पार्टिकल वेस्ट बच गया उसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। जितने भी होलोजोइक एनिमल होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन 5 चीज़ों को फॉलो करते हैं, याद रखना। अब हम पढ़ेंगे जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो अमीबा क्या फॉलो करता है, इंजेक्शन फॉलो करता है, बाद में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन।